तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम जो है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में जो है वो देखेंगे, जिसे डी ब्रोगली परिकल्पना भी कहा जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, ये आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है वो जरूर पढ़ा हुआ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर के और भी नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, उसका नाम जो है वो लुईस डी ब्रोगली साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ही जो है वो इनका नामकरण डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो किया गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है, सन 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने यह प्रतिपादित किया कि जिस प्रकार लाइट की ड्वेल नेचर होती है, उसी प्रकार पदार्थों में भी ड्वेल नेचर पाए जाते हैं, मतलब वेव और पार्टिकल के। देखिए जो लाइट होते हैं उनमें जो है वो द्वैती प्रकृति होती है, लाइट की जो है वो द्वैती प्रकृति होती है, जिसे हम ड्वेल नेचर कहते हैं। जो रेडिएशन होता है, जो लाइट होता है, वो पार्टिकल के समान भी बिहेव करते हैं और उनमें जो है वो वेव नेचर भी पाया जाता है, मतलब तरंग का गुण भी पाया जाता है और उनमें छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं लाइट में। सेम उसी प्रकार यदि हमारे पास कोई पदार्थ है तो उसमें भी जो है वो ड्वेल नेचर पाया जाता है। जो पदार्थ है वो भी जो है वो तरंग के समान व्यवहार करते हैं और उनमें जो है वो कण के समान भी गुण पाया जाता है, मतलब उनमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, तो दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। और ये कथन जो है वो डी ब्रोगली द्वारा दिया गया था, लुईस डी ब्रोगली के द्वारा, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो यह कथन का नाम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना जो है वो पड़ा है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को इसका जो डेफिनेशन है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। सन 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने यह प्रतिपादित किया कि जिस प्रकार लाइट की ड्वेल नेचर होती है, मतलब उसमें द्वैती प्रकृति पाई जाती है, उसी प्रकार पदार्थों में भी जो है वो ड्वेल नेचर पाया जाता है। जो पदार्थ होते हैं वो भी तरंग के समान व्यवहार करते हैं, मतलब वेव के समान भी व्यवहार करते हैं और उनमें पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, तो ये जो है वो आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहलाता है। और इस डिस्कवरी के लिए, इस आविष्कार के लिए डी ब्रोगली को 1929 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये चीज को आप जो है वो याद रखें। उन्होंने बताया कि पदार्थों के छोटे छोटे कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहां तक कि परमाणु, जब गति करते हैं तो उनकी प्रकृति वेव जैसी होती है। अब देखिए, कोई पदार्थ है उनमें हमें पता है कि पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो पता ही आपको कि उसमें पार्टिकल पाए जाते हैं। लेकिन जो पदार्थ के छोटे छोटे कण जब गति करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है, तो उनमें जो है वो वेव नेचर पाया जाता है, मतलब उसमें जो है वो तरंग का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे प्रूव होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनमें पार्टिकल्स तो होते ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तो होते ही है, लेकिन वो जब गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनमें जो है वो तरंग का गुण पाया जाता है, मतलब उनमें जो है वो वेव नेचर पाया जाता है। अब चलिए इसका जो भी आगे का जो भी पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, प्लैंक की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और देखिए जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसमें दो थ्योरी को जो है वो इंक्लूड करके जो है वो बनाया गया है। पहला तो प्लैंक का थ्योरी, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, और दूसरा है आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत के अनुसार। तो देखिए प्लैंक के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, ई इक्वल एच न्यू, समीकरण एक हुआ। और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, ई इक्वल एम सी स्क्वायर, तो ये समीकरण दो। अब यहाँ पे जो ई है वो पार्टिकल से संलग्न एनर्जी है, मतलब जैसे पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, तो ये जो पार्टिकल है उनसे संलग्न जो भी एनर्जी है उसे हम लोग ई से जो है वो व्यक्त करते हैं। और एच आपको पता ही है, प्लैंक की स्थिरांक जो है वो कहलाता है, म्यू मतलब आवृत्ति फ्रिक्वेंसी होता है, और यहाँ पे जो एम का मतलब होता है द्रव्य की मात्रा, और सी का मतलब होता है प्रकाश का वेग। तो समीकरण एक और समीकरण दो आप लोगों को समझ आया, दो थ्योरी को मिला करके ये जो परिकल्पना है उसे प्रस्तुत किया गया था, पहला प्लैंक का थ्योरी और दूसरा आइंस्टाइन का रिलेटिविटी सिद्धांत। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक और समीकरण दो से जो है वो देखते हैं। तो समीकरण एक और दो में हम लोगों ने क्या देखा था, दोनों का इक्वल जो है वो ई है, तो एच न्यू अपॉन एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर जो है वो हो सकता है समीकरण एक और दो से, तो हम लोग इसे लिखेंगे एम सी स्क्वायर इक्वल एच न्यू, समीकरण तीन बना आपका। तो देखो ये जो न्यू है उसका इक्वल जो है वो सी अपॉन लेमडा होता है, तो न्यू की जगह हम लोग जो है वो सी अपॉन लेमडा करके लिखेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा एम सी स्क्वायर इक्वल एच इंटू सी अपॉन लेमडा। अब आगे देखिए एम सी स्क्वायर तो एच इंटू सी एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, अब ये सी अगर इधर आता है तो एक सी यहां से कट जाएगा, क्योंकि यहां पे इंटू है तो इधर आके क्या अपॉन हो जाएगा, तो एक सी जो है वो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम सी इक्वल एच अपॉन लेमडा। तो अब देखिए क्या होगा, लेमडा इक्वल एच अपॉन एम सी, ये जो एम सी है वो इधर आ जाएगा, और ये आपका समीकरण चार हो गया।
क्योंकि कण की प्रकृति तरंग जैसी है, इसलिए सी को वी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग एम इंटू सी लिखे हैं, तो उससे हम एम इंटू वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं उनका जो नेचर होता है वो वेव होता है, इसलिए हम जो है वो इससे सी को जो है वो वी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिये लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी, तो एम वी इक्वल जो है वो संवेग मोमेंटम होता है, तो हम लोग एच अपॉन संवेग या एच अपॉन मोमेंटम लिख सकते हैं, जो कि आपका समीकरण 5 है। और समीकरण 5 को ही डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली समीकरण कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? तो अब जैसे कि लैम्डा आपको पता है, इसका मतलब जो है वो वेवलेंथ होता है या तरंग दैर्ध्य होता है, तो इसके बराबर हम लोग तरंग दैर्ध्य लिख सकते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/ संवेग के। तो मतलब इस तरीके से भी जो है वो हम डी ब्रोगली इक्वेशन को जो है वो लिख सकते हैं, संवेग 1/ तरंग दैर्ध्य या 1/ वेवलेंथ। डी ब्रोगली सिद्धांत को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे मैं आगे लिखना भूल गई हूँ, उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइज आप लोगों को? बहुत इजी सा टॉपिक है। तो आई होप यू गाइज आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।